जिंदगी में हमें सफलता तभी मिलती है जब हमारे सिद्धांत अडिग हों, हमारा विश्वास और हमारी लगन पक्की हो, मन और दिल सच्चा और कोशिश पूरी हो, मेहनती और ईमानदार पूरे हों। लेकिन आजकल शायद ही कहीं ईमानदारी देखने को मिलती हो। पर यदि हम ईमानदारी के रास्ते पर चलें तो उसका फल जरूर मिलता है। अब बात करेंगे लोकतंत्र के एक और जीत की, जहां पर पार्टी के एक ईमानदार उम्मीदवार ने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। देखिए खास रिपोर्ट। एक ऐसा विजयी उम्मीदवार जिसने केवल जनता के समर्थन से जीता चुनाव, जिसके पास न अपना वाहन न खाते में पैसे, पार्टी फंड से खर्च के लिए मिली राशि को भी लौटाया, चुनाव प्रचार में नाम मात्र राशि का ही किया उपयोग, प्रचार किया भी तो टूटी चप्पल पहनकर, कम खर्चे में ही जीत कर दिखाया चुनाव। मध्य प्रदेश में एक ऐसा विधायक जिसके पास न खुद का वाहन है, न ही खाते में पैसे, न किसी प्रकार के बैनर पोस्टर छपवाए और न ही किसी प्रकार का शराब का वितरण किया, प्रचार किया भी तो वो भी टूटी चप्पल पहनकर और केवल स्लोगन, जनता के प्यार, आशीर्वाद और समर्थन से ही चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर ली। लेकिन सबसे खास बात ये है कि उम्मीदवार को चुनावी खर्च के पार्टी से जो फंड मिला उसमें से नाम मात्र ही पैसा खर्च कर चुनाव जीता और बाकी बचे फंड को ईमानदारी से पार्टी को वापस लौटा दिया। बता दें कि पार्टी फंड से उन्हें करीब 20 लाख रुपए दिए गए थे, जिसमें से 12,50,000 उन्होंने खर्च किए और शेष राशि पार्टी फंड में वापस जमा कर दी। हम बात कर रहे हैं उज्जैन जिले के नागदा तहसील की, जहां खाचरोद नागदा विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार दिलीप सिंह गुर्जर को 15,000 से अधिक वोटों से परास्त किया। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और अपने पक्के इरादों, मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करते आ रहे हैं। कहते हैं ईमान के पक्के और नेक इरादा हो तो सफलता और जीत तो हासिल होना ही है।